Assalamu alaikum students, we are reading the subject English in grammar and composition book. We are in grade 3-9. Today our topic is active and passive voice. Today is Tuesday 25th May 2021. Learning outcomes. Students, after attending today's lecture, you will be able to understand the difference between active and passive voice, tense-wise conversion of active voice sentences into passive voice, and there are also exercises on conversion of active voice sentences of present indefinite tense into passive voice. Some introduction. Students, you must know what is voice. Voice is that form of verb जिसे हमें ये पता चलेगा कि subject ने कोई action perform किया है या subject ने कोई action receive किया है. For sentences in the active voice, the subject performs the action. For example, सबा cooks food. ठीक है, सबा खाना पकाती है, तो सबा ने एक्शन परफॉर्म किया. और इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट कर दें, फूड इज़ कुक्ड बाय सबा, तो जब हम इसको इन्वर्ट करके, ऑपोजिट करके बोलेंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है कोई जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है. ठीक है, क्या एक्शन रिसीव कर रहा है? फूड इज़ कुक्ड बाय सबा, राइट. मोस्ट ग्रामेरियंस रिकमेंड यूजिंग द एक्टिव वॉइस व्हेनेवर पॉसिबल. ग्रामेरियंस जो ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं, ग्रामर वर्क करते हैं. हियर आर सम एग्जांपल्स टू हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वॉइसेस. देखें, एक्टिव वॉइस की एक सेंटेंस की एग्जांपल है, द मैन कॉट सेवरल फिश. आदमी ने बहुत सी मछलियाँ पकड़ी, राइट. द मैन इज़ द सब्जेक्ट, कॉट इज़ द वर्ब, सेवरल फिश इज़ द ऑब्जेक्ट. अब इसकी जब कन्वर्जन होगी पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाएगी. हम उसमें टेंस वॉइस, जैसे पास इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो हम वॉज या वर्ब में से सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. और जब हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, तो उससे पहले बाय लगाते हैं, राइट. सी द चेंज, द मैन कॉट सेवरल फिश. सेवरल फिश वर कॉट बाय द मैन. तो क्या चेंजेस आई कि सेवरल फिश स्टार्ट में चला गया, द मैन लास्ट में चला गया, और हमने फिश ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पे वर्ब का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिलेक्ट किया, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कॉट ही होती है. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आ गया, द प्लानिंग कमिटी डिस्कवर द रूम वॉजन अवेलेबल. प्लानिंग कमिटी को ये पता चला कि रूम अवेलेबल नहीं था. तो इसमें जो हमारा लास्ट पोर्शन है, दैट द रूम वॉजन अवेलेबल, एज ए इस तरह से ही रहेगा एज इट इज़. तो जो स्टार्टिंग वाला है उसको हम देख लेंगे, द प्लानिंग कमिटी डिस्कवर्ड. ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम लोगों ने प्लानिंग कमिटी को एज अ सब्जेक्ट लिया है. ठीक है, और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, सो हम इट से स्टार्ट करेंगे. और क्योंकि ये पास में आ रहा है, तो पास इंडेफिनिट ही है, तो पास इंडेफिनिट में इसको इट से स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज. इट वॉज और थर्ड फॉर्म भी डिस्कवर्ड ही होगी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द प्लानिंग कमिटी. मींस इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में आएगा, और प्लानिंग कमिटी हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला गया, और उससे पहले हम लोगों ने बाय लगा दिया. हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज की सिलेक्शन की और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्कवर्ड यूज़ की, राइट. तो द प्लानिंग कमिटी डिस्कवर्ड दैट द रूम वॉजंट अवेलेबल एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में आएगा, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द प्लानिंग कमिटी that the room wasn't available. ठीक है, उसके बाद में move on next. Rules of conversion from active to passive voice. ये बिल्कुल basic बातें. First of all, identify the subject, the verb and the object. S, V and O. मैंने आपको अभी identify करके सबसे पहले मैंने sentence में अपना subject, verb और object देखा है कि क्या है. Change the object into subject. आपने इन दोनों की places change करनी होती हैं. सब्जेक्ट जो है वो एंड में चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है. पुट सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. हमने जैसे पास इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है, तो हमने उसमें से वॉज या वर्ब की सिलेक्शन की है अकॉर्डिंग टू आर नीड. उसके बाद में चेंज द वर्ब इनटू पास पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. व्हाट इज पास पार्टिसिपल? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम पैसिव वॉइस में जितने भी टेंसेस की कन्वर्जन करते हैं, उसमें हम वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास पार्टिसिपल. एट द प्रपोजिशन बाय, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है पैसिव वॉइस में और सब्जेक्ट एंड में चला जाता है, तो हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाय. चेंज द सब्जेक्ट इन टू ऑब्जेक्ट. और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये सिक्स नंबर पर लिखा हुआ, बट ये वेरी स्टार्टिंग पे आता है. उसके बाद हमारा यहाँ पर ये एंड हो जाए.